अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट में कहा गया है रमेश हैड 20 पेंसिल्स, शीलू हैड 50 पेंसिल्स एंड जमाल हैज 80 पेंसिल्स। यहां पर थ्री पर्सन दिए गए हैं जिसमें रमेश, शीलू एंड जमाल। रमेश के पास 20 पेंसिल्स हैं। ऐसा करते हैं क्वेश्चन भी पढ़ते जाते हैं और इसका सॉल्यूशन में उसको लिखते भी जाते हैं। तो यहां पर मैंने एक टेबल बनाई है रमेश, शीलू एंड जमाल की। हम देखते हैं उनके पास टोटल पेंसिल्स कितनी है। आपके पास दिया है रमेश है 20 पेंसिल, तो रमेश के पास हमने 20 पेंसिल्स लिख दी है। शीलू के पास 50 पेंसिल्स हैं और जमाल के पास 80 पेंसिल्स हैं। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 4 मंथ्स रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल्स, शीलू यूज्ड अप 25 पेंसिल्स एंड जमाल यूज्ड अप 40 पेंसिल्स। आपसे पूछा गया है व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप, उन्होंने अपनी टोटल पेंसिल का कितना फ्रैक्शन यूज कर लिया। If each has used up equal fractions of his her pencils, और आपसे पूछा गया है कि आप जो टोटल फ्रैक्शन उन्होंने यूज किया है क्या वो तीनों का इक्वल है या डिफरेंट है। तो ये हमें चेक करना है। इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको करा रहा हूं। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जब सॉल्यूशन स्टार्ट करना है तीनों के नाम लिखने हैं रमेश, शीलू एंड जमाल। आपको यह लिखना है उनके पास टोटल पेंसिल्स कितनी है। तो टोटल पेंसिल्स में आप लिखेंगे रमेश के पास 20 पेंसिल्स हैं, शीलू के पास 50 पेंसिल्स हैं एंड जमाल के पास टोटल पेंसिल 80 हैं। इन्होंने जो पेंसिल को यूज कर लिया है, क्योंकि आफ्टर 4 मंथ्स में उन्होंने पेंसिल्स को यूज किया है, तो उसके पास रमेश ने कितनी पेंसिल को यूज किया है। रमेश ने पेंसिल को यूज किया है नंबर ऑफ पेंसिल है 10। इसके बाद हमने देखा है शीलू ने जो यूज किया है वो है 25 पेंसिल्स, तो मैंने इसको 25 बना दिया है। इसके बाद हमने देखा है जमाल ने जो यूज किया है वो है 40 पेंसिल्स। तो हमारे पास यहां पर टोटल पेंसिल्स आ गई हैं, यहां पर यूज पेंसिल्स आ गई हैं और आपसे कहा गया आप इनके फ्रैक्शन बताइए कि कितना फ्रैक्शन उन्होंने टोटल पेंसिल का यूज कर लिया है। तो देखिए फ्रैक्शन में हमें एक बात का ध्यान रखना होता है, मैं आपको पहले भी ये क्लियर कर चुका हूं और अब दोबारा कर रहा हूं कि टोटल पार्ट अपॉन में रखना है और जो यूज पार्ट है वो आपको न्यूमरेटर के प्लेस पर रखना है। तो यूज्ड पार्ट न्यूमरेटर के प्लेस पर और टोटल पार्ट्स आपको डिनोमिनेटर के प्लेस पर, तब आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो हम देखेंगे यहां पर जो यूज्ड पार्ट है वो 10 है और जो टोटल पार्ट्स है वो है 20। उसके बाद आपने देखा यूज्ड पार्ट है 25 और टोटल पार्ट है 50। जो यूज्ड पार्ट है वो है 40 और जो टोटल पार्ट है वो है 80। आप सबको मिक्स ना हो जाइए, तो मैंने इसलिए यहां पर लाइन ड्रॉ कर दिया। आप भी यहां लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए अब बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए, अब कोई भी वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू में मिक्स नहीं होगी। तो आपने देखा यहां पर 10/20, यहां पर 25/50, यहां पर 40/80। तो हमने इन सबका फ्रैक्शन को फाइंड कर लिया है। लेकिन अब आपको कहा गया है नेक्स्ट पार्ट में कि आप चेक कीजिए, चेक इफ ईच हैज यूज्ड अप इक्वल फ्रैक्शंस ऑफ हिज हर पेंसिल, क्या तीनों पार्ट इक्वल है या नहीं है। देखिए इसके लिए मैंने आपको पहले भी ये क्लियर किया था कि जब आप किसी फ्रैक्शंस को चेक करते हैं कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो एटलीस्ट आपको क्या करना होता है, सबसे पहले उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में अरेंज, सिंपलेस्ट फॉर्म में लगाना होता है। तो आप देखेंगे अगर इसको 10/20 को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लगाया तो 0 से 0 कट जाता है और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आता है 1/2। फिर आपने 25/50 को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है तो आपको किससे कट करना पड़ेगा, डेफिनेटली 5 आपका आंसर होना चाहिए। 5/5 = 25 and 5/10 = 50। फिर हम देखते हैं 5 और 10 अभी भी कट सकते हैं, तो 5 = 5 and 5 = 10, तो आपके पास इसका आंसर भी 1/2 आता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में ये वैल्यू चेंज होके 1/2 आ रही है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 0 से 0 आप कट कर सकते हैं और इसको आप कट करेंगे 2 से, 2 = 4 and 2 = 8। इसको फर्दर हम कट कर सकते हैं, फिर भी हम 2 से कट कर सकते हैं, 2 = 2 and 2 = 4। हमारे पास इसका फ्रैक्शन रिड्यूस होके आ जाता है 1/2। तो आप जब देखते हैं हमारे पास यहाँ पर जो रमेश ने पेंसिल को यूज किया है वो 1/2 पार्ट आया है, शीलू का यूज पार्ट आया है 1/2, जवान का यूज पार्ट आया 1/2। तो क्या ये तीनों अब इक्वल लग रहे हैं, डेफिनेटली आपका आंसर होना चाहिए यस। यस हमारे पास इसका आंसर यस है, तो हमने इसमें लिखा है यस ईच हैज
used a equal fraction. तो ये आपका क्वेश्चन यहां कंप्लीट हो गया है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.